मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये सही है कि अगर आपकी टिकट नहीं है तो स्टेशन के अंदर भी नहीं आ सकते, जैसे इंडिया में ले जाके अंदर चटाई बिछा के सो जाते हैं ना, सुबह मौसा जी आएंगे उनको लेने आए हैं नहीं है सिस्टम, टिकट होगी तभी एंट्री है। स्वागत है भाई आप सभी लोगों का एक नई वीडियो में, और अभी हम हैं शेंजन चाइना में। कल मैंने आपको दिखाई शेंजन की इलेक्ट्रॉनिक मार्केट, उससे पहले आपने देखा भाई मेरे को चाइना आते ही कैसा लगा। तो आज हम जा रहे हैं चाइना की जो कहते हैं सबसे ज़्यादा डेवलप्ड सिटी, मतलब पिछले 20 सालों में वो सिटी इतनी डेवलप हो गई कि चाइना की सबसे ज़्यादा डेवलप्ड कहने लग गए उस सिटी को, जहाँ के लोकल्स भी कहते हैं भाई चोंगकिंग। जहाँ हम जा रहे हैं उस सिटी का नाम है चोंगकिंग, लोकल्स भी ऐसे कहने लग गए भाई चोंगकिंग से ज़्यादा डेवलप्ड सिटी कोई नहीं है चाइना में, अब ऐसे कह रहे हैं। तो मैंने कहा भाई देख के आते हैं भाई ऐसी कौन सी सिटी है, वो वाली सिटी है ना जो बिल्डिंग्स के बीच में से मेट्रो निकलती है, वो वाली सिटी। तो शेंजन से चोंगकिंग की दूरी लगभग कुछ 1200 किलोमीटर है, शायद उससे भी ज़्यादा होगी, मैंने देखा नहीं सच बताऊँ तो, अंदाजे से बता रहा हूँ। तो यहाँ से बुलेट ट्रेन भी चलती है जिसका फेयर आपको पड़ेगा लगभग 6500 रुपये के करीब, और स्लीपर ट्रेन भी चलती है, पर स्लीपर आपको बहुत लेट पहुंचाएगी, वो पहुंचाती है लगभग 24 घंटे में। तो हम डायरेक्ट शेंजन से बुक करा रहे थे स्लीपर ट्रेन चोंगकिंग की, वो हमारी हो नहीं पाई क्योंकि वो फुल हो गई। जी हाँ, चाइना में भी इंडिया वाला सिस्टम चलता है वेटिंग लिस्ट का, जो इंडिया में चलता है चाइना में वेट लिस्ट का सिस्टम चलता है, पहला देश है इंडिया के अलावा जो मैंने देखा है जिसमें वेटिंग लिस्ट का सिस्टम चलता है। अब चलते हैं मेट्रो स्टेशन की तरफ। तो हम जब करा रहे थे तो हमारी टिकट बुक नहीं हो पाई, तो हमने जो टिकट बुक कराई है यहाँ से एक ट्रेन हमको लेके जाएगी डोनोंग, पता नहीं क्या नाम है भाई, वहाँ तक एक घंटे की वो ट्रेन है, उसके बाद हमारी मेन स्लीपर ट्रेन स्टार्ट होगी डोनोंग से चोंगकिंग की, जो कि लगभग पड़ जाएगा हमको 18 प्लस 1 घंटे की, ये 19 घंटे, ये वाली थोड़ी तेज़ है, और ये हमको पड़ी है लगभग 4500 रुपये पर पर्सन की ट्रेन, तो ये वाली थोड़ी सस्ती पड़ी है, और मतलब ओवरनाइट ट्रेन है तो अपना होटल का भी बच जाएगा, वरना बुलेट से जाओगे ना आप 12 बजे की ट्रेन से निकलोगे तो आप पहुंचोगे 7-8 बजे, वैसे भी रात को जाए क्या ही कर लोगे, सोना ही है आपको, तो इससे अच्छा ओवरनाइट ट्रेन लो, ट्रेन भी सस्ती पड़ेगी 2500 रुपये, और 1000-1200 आपके होटल के भी बच जाएंगे, मतलब 3-4 हज़ार का फ़ायदा हो गया। अब हम जा रहे हैं अपने नियरेस्ट मेट्रो स्टेशन, और मेट्रो स्टेशन के बाद हमको जाना है शेंजन ईस्ट स्टेशन। बहुत सारे स्टेशन है भाई यहाँ पे, हम जहाँ उतरे थे हांगकांग से वो था फुतियान, फिर शेंजन नॉर्थ, फिर शेंजन ईस्ट, फिर शेंजन साउथ, शेंजन वेस्ट भी होगा पता नहीं, और अगर आप टैक्सी वाले को जाके कहोगे ना भाई मेरे को शेंजन ईस्ट स्टेशन ले जा वो नहीं लेके जाएगा। तो मैं आपको बता देता हूँ आज शेंजन ईस्ट स्टेशन भी कैसे पहुँच रहे, सबसे बड़ी हेडेक तो वही है कि शेंजन ईस्ट स्टेशन पहुँचने। भाई जो यूरोपियन देश कह रहे हैं ना कि हम भाई इलेक्ट्रॉनिक कर देंगे, नॉर्वे कह रहा है भाई सारी टेस्ला चल रही है, फैसला चल रही है, ये चल रही है, वो चल रही है, भाई चाइना ऑलरेडी कर चुका है सब कुछ इलेक्ट्रिक, जो इनकी ज़्यादातर टैक्सीज हैं वो सारी इलेक्ट्रिक है, जैसे नीली वाली गाड़ी खड़ी है ये इलेक्ट्रिक है, मेरे को वो भी इलेक्ट्रिक लगने लग रही है, उसके टायर देखो वो भी मेरे को इलेक्ट्रॉनिक इलेक्ट्रिक लगने लग रही है, जिसके आगे बम्पर में वो नहीं है ना स्पेस हवा जाने का, वो सारी इलेक्ट्रिक है, वो लाल वाली भी इलेक्ट्रिक है, जितनी टैक्सी आती है सारी BYD कंपनी के, बिल्ड योर ड्रीम्स की, सारी इलेक्ट्रिक हैं जितनी भी हमने ली हैं। तो भाई चाइना बहुत तरक्की कर रहा है, दुनिया से उस चीज़ को छुपाया जा रहा है, एक तो चाइना खुद ही इन्फॉर्मेशन नहीं देता बाहर वालों को, और ऊपर से दुनिया चाइना को बुरा दिखाने के लिए, मतलब बुरा किसी भी सेंस में मान लो आप, वो इन्फॉर्मेशन आप तक पहुंचाती नहीं है, वो नीली वाली गाड़ी वो भी इलेक्ट्रॉनिक लग रही है, नहीं वो टोयोटा की, वो इलेक्ट्रॉनिक नहीं है, पर हाँ ये देख लो पुलिस की गाड़ी BYD की है, ये भी इलेक्ट्रॉनिक कार है। तो चलते हैं अब स्टेशन तक। तो ये अभी एक मेट्रो स्टेशन पे आया हूँ मैं, और ये देखो यहाँ पे टॉयलेट्स, मैन वुमेन नर्सरी एक अलग से बन रखा है। जब मैं मेट्रो से भाई ये मान लो लगभग 6-7 साल पहले ट्रैवल करता था, अभी भी एक दो बार कर लेता हूँ, तो मैंने मेट्रो स्टेशन पे देखा कि बहुत ज़्यादा टॉयलेट्स अपने दिल्ली वाली मेट्रो में नहीं है, गिने चुने स्टेशन पे हैं, अगर आप बन गए हो तो ज़रूर कमेंट करके बताना भाई मेरे को, पर मेरे को नहीं लगता कि हर स्टेशन पे टॉयलेट हैं दिल्ली की मेट्रो में, तो ये बनने चाहिए यार, टॉयलेट तो हर मेट्रो स्टेशन में बनने ही चाहिए यहाँ पे चाइना में हर, मतलब ये मान लो मतलब किसी भी रोड पे चले जाओ साइन बोर्ड लिखा मिल जाता है कि 100 मीटर दूर पब्लिक टॉयलेट है, 50 मीटर दूर है, और मेट्रो स्टेशन पे तो आ ही गया। ये भाई मशीन लगी पड़ी टिकट की, और इंग्लिश कर लो इसको, हमको जाना है यार ये वाली लाइन पर जाना है, अभी लाइन 3 पर जाना है हमको, बूजी जो स्टेशन है
यहाँ पे मतलब वो है शेंजन ईस्ट स्टेशन, मैंने ऑनलाइन पढ़ा है, मेरे को भी कंफर्म नहीं है अभी तक। भाई ये देखो बोतल स्कैन करेंगे, ग्रीन आ गया। ये किस लिए अभिषेक? अल्कोहल पता करने के लिए, कल भी आया था ना, मैंने गन्ने का जूस लेके आया था तो पता कर, मैंने पूछा मैंने अच्छा अल्कोहल है कि नहीं, मतलब रेस पता लगा रहे हैं मतलब। भाई भाई आप टेक्नोलॉजी देख रहे हो, पानी की बोतल स्कैन करके बता दिया इसके अंदर दारू है या नहीं। तो यार ये नहीं कह सकते हम कि मतलब चाइना गरीब है, ये है वो है। भाई अमीर तो है चाइना, ऐसा नहीं है कि यहाँ पे अमीर ही नहीं है, पर गरीबी भी है, पर डेवलप्ड देख लो आप कितना ज़्यादा है। मेरे को हर चीज़ हैरान कर रही है यार, जापान वपान में तो कुछ स्कैन ही नहीं करता ये सब चीज़ें, इन्होंने स्कैन करी बंदे को परेशान नहीं कर रहे कि इसमें दारू है, बोतल स्कैन करी ख़त्म खेल, चाहे दारू की बोतल में आप पानी लेके आ जाओ कोई कुछ नहीं कहेगा। भाई जैसी ट्रेन आती है ना वैसे यहाँ की लाइट जो है लगी पड़ी है ना ये तेज़ हो जाती है बिल्कुल, कि इस तरफ वाली ट्रेन आने लग रही है। मैं कह रहा ये क्या रोशनी कर दी क्या, वोल्टेज कम चल रही थी पहले इनकी, पर ऐसा नहीं है भाई, क्या सिस्टम है यार, सिस्टम पे सिस्टम। भाई बूजी आ गया, कुल मिला के ट्रेन छूटने में बचे 25 मिनट बस। भाई ये लिखा हुआ शेंजन ईस्ट स्टेशन। हो चलो 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 चलो, भागो 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 भागो। तो भाई जो ऑनलाइन मैं टिकट कराता हूँ ना उसके लिए आपको फिजिकल टिकट भी कलेक्ट करने की जरूरत नहीं है, जैसे हांगकॉन्ग से आए थे पासपोर्ट स्कैन करो दरवाजा खुल जाएगा, कितना सही है। ऑनलाइन बुक कराओ कुछ भी चाहिए, खैर इंडिया में भी यही है अब तो, बस टीटी आके पूछता है, यहाँ पे शायद पूछे शायद ना पूछे, छोटी ट्रेन में तो नहीं पूछा था, पर हाँ सही है। पर प्लेटफॉर्म पे सिर्फ और सिर्फ वो बंदा जा सकता है जिसके पास टिकट है। भाई यहाँ होएगा पासपोर्ट स्कैन और सीधा निकल जाना है। भाई आज ये चाइना के गेट हो गए फ्लॉप, हम गए थे वहाँ पे मैनुअली, उन्होंने पासपोर्ट नंबर एंटर किया फिर आया, तो ये भी हो जाता है भाई। भाई ये है पूरा बड़ा स्टेशन, चेयर्स देखो भाई कैसी लगी पड़ी हैं, अब ट्रेन ढूंढनी है फटाफट, ये सब दिखाने का टाइम नहीं है, कभी और दिखा दूंगा। ये तो सबसे रद्दड़ चाइना का स्टेशन लग रहा है मेरे को, इससे बढ़िया बढ़िया मिलेंगे। भाई ये देखो कितनी लंबी लाइन लगी पड़ी है, ये वाली ट्रेन है हमारी K106, 11:08 पे जाएगी, मतलब वही है सबके पासपोर्ट स्कैन हो रहे हैं, अब जिसके पास टिकट होगी वही आगे जा सकता है, खैर यहाँ पे भी वही आ सकता है जिसके पास टिकट है। मैं कह रहा हूँ यहाँ पे ये सही है कि अगर आपकी टिकट नहीं है तो ये स्टेशन के अंदर भी नहीं आ सकते, जैसे इंडिया में ले जाके अंदर चटाई पे जाके सो जाते हैं ना, सुबह मौसा जी आएंगे उनको लेने आए हैं। नहीं है, टिकट होगी तभी एंट्री है। भाई देखो ये चाइनीज में आप समझ नहीं पाओगे पर ये लिखा आ रहा है, 5 जो लिखा है ना ऐसे लिखा है, 11:08 की ट्रेन है, 11:03 पे ये वाला ही गेट बंद हो जाएगा, प्लेटफॉर्म पे ही नहीं जा पाओगे, खत्म खेल आप कहीं पे। भाई ये होता है आखिरी बोर्डिंग गेट, इस पे अपना इंडियन पासपोर्ट चल गया। भाई ये देखो ओ गई बुलेट ट्रेन, ठीक है, और हमारी जो एंट्री हुई है ना वो इसी स्टेयर से आ सकते हैं हम, उसके आगे हम जा ही नहीं सकते, तो सेकंड और थर्ड प्लेटफॉर्म पे, ज़्यादा से ज़्यादा थर्ड पे जा सकते हो, मतलब उसी प्लेटफॉर्म पे आपका वो खुलता है दरवाज़ा जिस पे आपकी ट्रेन है। तो कोई बंदा यहाँ पे इतना भी नहीं कर सकता कि 2 प्लेटफॉर्म से ट्रेन है तो 4 पे चला जाए, ज़्यादा से ज़्यादा बस 3 पे जा सकता है वो बंदा, तो ये सही है यार, इधर उधर भी नहीं भटकना ना इतना कि भाई प्लेटफॉर्म चेंज होएगा ट्रेन का ना कुछ, जहाँ लग जाएगी तभी बोर्डिंग स्टार्ट होएगी। भाई ये वाली ट्रेन हमने बुक करी है, इस ट्रेन में सोने वाले कंपार्टमेंट भी हैं और बैठने वाले भी हैं, ट्रेन हमारी सिर्फ 40 मिनट के लिए, कहीं सोचो इसमें जा रहे हैं 24 घंटे ऐसा नहीं है, ये 40 मिनट के लिए ट्रेन है। ये वाली हमने बैठने वाली इसलिए करा दी क्योंकि ये पड़ रही थी 128 रुपये की बस, और अगर सोने वाली इसी ट्रेन में कराते 40 मिनट के लिए तो पड़ती 600-700 रुपये की, तो 40 मिनट बाद हमको ट्रेन चेंज करनी है। और भाई ये चाइनीज लोग ऐसे हैं कि किसी के भी सीट पर जाके बैठ सकते हैं, हम भी किसी के भी बैठ गए, अब यही चल रहा है। 128 सोने वाली मैं नहीं करूँगा कॉम्प्रोमाइज़ में, मत करियो और क्या, वहाँ वैसे भी इतनी भगदड़ नहीं होगी। तो अभी 40 मिनट के लिए हमारे लगा 40 मिनट की जर्नी के लिए 128 रुपये पर पर्सन बस। भाई इन ट्रेन में ना ऑफिशियली तो टीटी होते हैं ना, यही सामान बेचते हैं, यही सब कुछ मतलब ड्रिंक्स वगैरह ये सब यही बेचते रहते हैं, अभी तो एक टीटी आई थी वो बाम बेच रही थी। मेरे को ऐसा लगा जैसे हल्दीराम की भुजिया ले आया हो, ऐसी पैकेट होते हैं, ले लियो भाई खट्टा मीठा वाली ले ले। भाई यहाँ हम उतर गए डॉन गुआन स्टेशन,
पर इसका पता नहीं होंदू बोल रहे हैं, टीटीवी जो भी है वो होंदू बोलने लग रहा है। उतर गए, अब यहाँ से अगली ट्रेन है हमारी 35 मिनट बाद, तो कुछ खाने पीने का देख लेता हूँ, कुछ 7-Eleven वगैरह हुआ तो ले लेंगे। ये आ गया भाई डॉन गुआन स्टेशन, यहाँ पे एक रेस्टोरेंट है, कन्वीनियंस स्टोर है, देखते हैं कुछ मिल जाए तो। लो भाई ये अपनी ट्रेन गई है लग, डिब्बा नंबर है 13। बट ट्रेन में घुसते ही अपनी सीट है, जैसे यहाँ पे सीट ऐसे होते हैं भाई, जैसे इंडिया में ये सीट का नंबर अलग होगा, ये अलग होगा, ये अलग होगा, यहाँ पे ऐसा है। इस पूरी रो का नंबर 21 है और आपके टिकट में लिखा आएगा बीच की है, ऊपर की है या नीचे की है। अभी पहले से सीट बन रखी है तो इसके बारे में बात करेंगे हम। तो भाई ये वाली मैं मैगी लेके आया हूँ भाई, इसमें देखो क्या क्या निकलता है, हाँ मतलब खाना वही। तो ये मैंने एक बार ना मंगोलिया से चाइना ट्रेन बॉर्डर क्रॉस करी थी, मैंने खरीद लिया, साला बनाना ही ना है मेरे को। दो पानी की थैली दे रखी है, एक ये चावल दे रखे हैं, मतलब कच्चे चावल बिल्कुल, और काको कैसे पक जाएगा, इसके अंदर चिकन है, और ये एक ऐसी चीज़ है इसके ऊपर पानी डालते ही, नॉर्मल पानी डाल दो, गर्म की जरूरत नहीं है, एकदम से उबलने लग जाएगा ये बंदा। भाई ये देखो फवारा ना मार दे कहीं मस्त है ना, देखा है ठंडा पानी कैसे गर्म हो गया भाई, क्या मैटर है मैटर है भाई, बीच में ही ये कितना गर्म हो गया, हाथ भी नहीं लगा पा रहा, मैजिकल चीज ये दे देना, ये हमको दे देना, क्या पता दोबारा चल जाए, वापस से चलू क्या। तो भाई यहाँ पे इन्होंने ले लिए केले, आलू बुखारा, संतरे, 15 युआन ईच का पैकेट है ये। मेरे वाले को होने वाला है बस 2-3 मिनट और, फिर दिखाऊंगा आपको जादू क्या होता है। देखो अभी तक निकल रही है भाई भाप, और इतना गर्म हो चुका ना भाई, हाथ नहीं लगा पा रहा मैं, सही बताऊं पकड़ नहीं सकता बंदा इसको, लगातार पकड़ के दिखा चला अभिषेक, कितने सेकंड नीचे से पकड़, नीचे से भाई, नीचे से कितने सेकंड पकड़ना होता, जितने देखते हैं चल नीचे से, अबे पकड़ तो सही। चलो भाई अपने इसको हो गए हैं 15 मिनट, अब करते हैं इसका उद्घाटन, 15 मिनट बाद खोलते हैं इसको, देखते हैं बना क्या है इसमें। चलो जी शुरू करो भाई, भाई चावल हो गया भाई तैयार, चावल क्या बन गए? बात है आज तो खाना खाओगे, हम तो फ्रूट्स में जिंदा है भाई, यहाँ लेट गए हैं और भाई मेरी सीट ऊपर वाली है भाई, यहाँ पे ऐसी है भाई, चाइना की ट्रेन्स में एक है कि अगर आप चाहो तो 116 रुपए एक्स्ट्रा देके आप नीचे वाली सीट रिजर्व कर सकते हो, पर वो आपकी किस्मत की बात है, मिल गई, मैंने तीनों के 116 एक्स्ट्रा दे थे, वो वापस आएंगे क्योंकि एक को भी नहीं मिली नीचे वाली मेरी तो भाई। पर देखो इंडिया की ट्रेन में क्या होता है, मिडल वाला बेचारा फंस जाता है, उसको आते ही सोना हो जैसे हमको सोना है मालिक, मैं तो ऐसे करके लेटा हूँ ना, तो राइट हाथ जो है वो नीचे लटक रहा है, इतनी चौड़ी नहीं है सीट सही में, तो देखो यहाँ सिरिंज लगा दो किसके अंदर, ऐसे लेट जाता हूँ ऐसे ना मरीज की तरह लेटा पड़ा उस पे। चलो अरे अगले 20 घंटे इसी में, अभी तक हमारे कोई भी साथी नहीं आया है, 3 साथी आने बाकी हैं भाई। ये है अपना चौथा स्टेशन आया अभी, और अब हो चुके शाम के 5:47, 4-5 मिनट रुकेगी यहाँ पे ट्रेन, और उसके बाद 4 स्टेशन और आएंगे कुल इस जर्नी में, हमारे 8 स्टेशन आएंगे और ये हमारा चौथा है, मतलब आधी जर्नी लगभग कवर हो चुकी है। चाइना के स्टेशन पे देखो भाई ये बेचने वाले भी हैं और लोग, वैसे चाइना की ट्रेन में ना मतलब यहाँ पे खड़े होकर आप स्मोकिंग भी कर सकते हो, और स्टेशन का वेट करते हैं कई लोग करते भी रहते हैं, मेरा पूरा गला ख़राब हो चुका भाई। ये अपनी ट्रेन और ये पता नहीं कौन सा क्या स्टेशन आया है, ठंड भाई होने लग गई है, 4-5 डिग्री हो रखा है, और चोंगचिंग में शायद मिलेगा -1 या -2। ये पका लिए भाई अपने रेडी टू ईट राजमा चावल, हाँ मजा आ गया। तो भाई ये हम पहुंच गए हैनयांग, यहाँ पे है कुछ 30-40 मिनट का स्टॉप है, ट्रेन थोड़ी जल्दी पहुंच गई, तो ये आखिरी स्टॉप है, इसके बाद रुकेगी 11 बजे और फिर रुकेगी सीधा 7 बजे, और हमारा स्टॉप आएगा 8 बजे। और सिर्फ चाइना की बात नहीं है भाई, ये पूरे वर्ल्ड में ऐसा ही है, रशिया ले लो आप, अब यूरोप ले लो, अब अमेरिका ले लो, टीटी सारे काम करता है, क्योंकि यहाँ पे किसी भी काम को छोटा बड़ा नहीं माना जाता। अब सरकारी नौकरी टीटी होती है हमारे इंडिया में, अब उसको कह देंगे भाई तेरे को टॉयलेट साफ करनी, तेरे को पोछा लगाना है, तो इज्जत घट जाएगी एक तरह से, तो फिर इसलिए में भी नहीं करते होंगे, पता नहीं क्या रीज़न है। पर इसमें ये हो गया कि इस टीटी की जिम्मेदारी है
कि तेरा ये डब्बा है, तेरी पूरी की पूरी तेरी जिम्मेदारी है, खत्म कहानी। कोई ट्रेन में घुसेगा नहीं बिना टिकट के। खैर बिना टिकट के तो प्लेटफॉर्म पे भी नहीं आ सकते आप, स्टेशन में ही नहीं आ सकते आप बिना टिकट के। तो इनका भी काम ईजी हो जाता है। वो टीटी को याद भी है, हम तीनों बाहर निकले हुए ना, उस टीटी को याद है कि हमको चौकिंग तक जाना है और वो हमको इसलिए नहीं टोक रही। अभी ये जैसी ट्रेन चलने को होगी हमको आवाज़ करके बोल देगी कि अंदर आ जाओ। तो बहुत सारे कमेंट आए थे कि इससे स्वीपर की नौकरी कम हो जाएगी, आपकी चादर देने वाली की नौकरी कम हो जाएगी, ये कम हो जाएगा, खाने वाली की नौकरी कम हो जाएगी। जी नहीं, यहाँ पे 20 डिपो की, तो 20 टीटी हैं यहाँ पे, तो सब कुछ वही कर रहे हैं, तो सबसे बेस्ट है ये भाई। वो देखो जैसे बंदा सिगरेट फूकने लग रहा है ना, उसका मैं बताऊंगा, हम बहुत परेशान हो गए यार सही बताऊं तो इस चीज़ से। भाई ये चीज़ आप याद रखना ठीक है, इसके बारे में बाहर डिस्कस करूँगा मैं ये चीज़। भाई इतना घटिया एक्सपीरियंस मेरे को कभी नहीं हुआ ज़िंदगी में। मैं तो पूरा बीमार हो गया भाई इस ट्रेन में। वो मैंने आपको दिखाया था दरवाज़ा, वो बंद नहीं होते पूरे क्योंकि हाथ फंस जाते, इसलिए इन्होंने बंद ही करने छोड़ दिए। अब उन दो दरवाजों को पार करके आप सिगरेट पी सकते हो, ये रूल है चाइना की ट्रेन में ठीक है। बंदे पी रहे हैं, जैसे ही टनल आती सारा धुआं डिब्बे के अंदर, सारे लोग सूंघ रहे हैं धुआं। और ये मान लो आप एक चाइनीज़ बंदा दिन में 10 बार सिगरेट पीता होगा, पूरा मेरा तो भाई मतलब शरीर ख़राब हो गया बिल्कुल। पूरी रात सिगरेट का धुआं सूंघते हुए आए हम, सोचो भाई पूरी रात हम मतलब यही कर रहे थे कि भाई ये ट्रेन ख़त्म होए बस, कहाँ चलना है वो देख वहाँ पे मेट्रो वेट्रो लिखी है। हम यही दुआ कर रहे थे कि भाई ये ट्रेन जल्दी जल्दी ख़त्म होए और बस हो जाए ख़त्म। और हार्ड स्लीपर इतनी हार्ड भाई क्या बताऊँ मैं, मेरा मतलब अभी तक इंटरनेशनल ट्रेन में सबसे घटिया एक्सपीरियंस था ये। एक तो हमारा डिब्बा चलते ही मतलब घुसते ही सबसे पहला था जो हमारी सीट थी, जैसे ही कोई सिगरेट फूके इतनी टनल्स आती हैं वो सारी हवा का प्रेशर बन के सारा धुआं अंदर सारा। अरे यार गेट बंद करने दो ना, बाहर खड़े होके फूकते रहो। अब सिगरेट पीने वालों को तो पता चलता नहीं है कि अंदर वालों को कितनी दिक्कत हो रही, पूरा गला ख़राब हो गया, खांसी खांस रहा हूँ भाई मैं पूरी ट्रेन में। अब मैं सोच रहा हूँ कि क्या पता या तो मैं सॉफ्ट स्लीपर में शिफ्ट कराऊँगा अपनी सीटें, या एक दो जगह फ़्लाइट ले लूँगा क्योंकि भाई इन्होंने तो, या फिर बुलेट ट्रेन ले लूँगा। इन्होंने तो भाई मतलब कोई कुछ बोल भी नहीं रहा है, सारे खांस रहे हैं, किसी को कोई मतलब भी नहीं है। चलो अब यहाँ चौकिंग स्टेशन उतर गए हैं, अब यहाँ से चलते अपने हॉस्टल। मैं तो भाई पूरा बीमार हो गया। क्या था अभिषेक धुएं का बताइयो? दिमाग खराब हो गया। एक तो हमारा डब्बा ऐसी जगह पे था, क्या कर रहा है धुआं पूरी रात धुआं, अरे पकड़ा नहीं जा रहा हाथ में। क्यों? अरे बहुत ज्यादा कैमरा नहीं संभाल पा रहा। चलो ये आ गए हम स्टेशन से बाहर, मेट्रो वेट्रो का कुछ समझ नहीं आया हमको, तो हम टैक्सी अब ले लेंगे, देखते हैं कहाँ से क्या लेने। ये है चौकिंग का शहर, ये है चौकिंग नॉर्थ रेलवे स्टेशन। देखो ये वाली लाइन पे जाना था, येलो कलर वाली जो है ना, पर हमको अंदर मिली नहीं, कहाँ से जाना है। चलो आ जाओ भाई, पूरा शरीर मेरा अकड़ चुका है, पूरे शरीर में पेन हो रहा है यार। हार्ड स्लीपर बेकार थी यार, मैं सही बताऊँ तो। मैं पिछली बार मंगोलिया से चाइना जब आया था ना, तो वो सॉफ्ट स्लीपर में आया था, तो मेरे को लगा सही होगी, सॉफ्ट स्लीपर की सीट भी चौड़ी होती है और मतलब गद्दा भी सही होता है। ये तो बिल्कुल ही पत्थर सा था यार, सही बताऊँ बहुत मतलब पूरे शरीर में दर्द हो रहा है। सोचा था आके बिल्कुल फ्रेश आएंगे, क्या करें। चलो अभी 8:30 हो गए हैं, जाके होटल में थोड़ा बैठ जाएंगे, और कहाँ से जाना है अब, आ जाओ होटल में जाके बैठ जाएंगे फिर निकल लेंगे थोड़ी देर बाद। भाई बड़े अजीब लोग हैं ये, स्टेशन के अंदर जाने की लाइन बना रखी है। अब हम स्टेशन के अंदर से आ गए, फिर ये कह रहे हैं कि स्टेशन के अंदर जाओ और फिर वहाँ से लो टैक्सी, हम बीच में से नहीं तोड़ेंगे लाइन अपनी। अब रोड पे आ गए, किसी को रोड पे से चाहिए तो स्टेशन के अंदर जाएगा वो, चलो थोड़ा आगे चलते हैं वहाँ से ले लेंगे। तो इस टैक्सी ने भाई हमको छोड़ दिया। ये मान लो लगभग हम इस टैक्सी में आए होंगे 15 से 17 किलोमीटर, और बिल आया सिर्फ 31 युआन, मतलब ये मान लो 400 रुपये के करीब। माइल्स था। तो यहाँ कहीं अपना होटल है वो ढूंढना है, देखते हैं। तो भाई ये पहुँच गए हम होटल पे। होटल का नाम तो इंग्लिश में बुक किया था हमने, चाइनीज़ में कर लेते तो हम ही नहीं पढ़ पाते, पर इन्होंने कहीं पे भी एक शब्द इंग्लिश का नहीं लिख रखा। चलो वेट करते हैं अब। तो भाई यहाँ पे 9 बजे हैं अभी, 9:30 कुछ हो रहे हैं, और इन्होंने बोला कि चेक इन आप ले ही लो, या फिर मतलब वेटिंग एरिया में बिठा रहे हैं, कह रहे हैं हम आपका जल्दी करा देंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और इंडिया में चले जाओ कहीं पे, बहुत कम होटल मिलते हैं ऐसे कि 9 बजे ही चेक इन करा दें। चलो चलते हैं, देखते हैं कैसा क्या कमरा है। बहुत ही सस्ता पड़ा है, कमरे में जाके दिखाता हूँ आपको और प्राइस बताता हूँ। तो भाई पहले दिन आते ही मैं रूम दिखाना भूल गया था क्योंकि तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो रही थी, तो आखिरी दिन दिखा देता हूँ। हम सब चेकआउट कर चुके हैं। ये टॉयलेट थी, ये हमारे लिए किचन थी,
एक डबल बेड यहाँ पे मतलब अलग से, एक एक कमरा अलग से डबल बेड, बाहर बालकनी भी थी। और इस पूरे हमने दोनों बेड वगैरह का सारे का रेंट दिया 1500 रुपए पर दिन, बस पूरा हाउसकीपिंग वगैरह आता था दोनों दिन, साफ सफाई करी रोज, नए तौलिए दिए रोज, नए पानी की बोतलें तीन तीन चार चार, सब कुछ 1500 रुपए में भाई। चार बंदे आते तो मतलब ये मान लो आप 400-400 रुपए पर डे, हॉस्टल से भी सस्ता। चलो अब तो चेकआउट कर दिया, 3 रातें यहाँ पे हम रुके थे, काफी सही स्टे था। इस वीडियो को रखते हैं यहीं तक, अब आपको मिलेंगे अगली वीडियो में।